हाय दिस इज विनम्रु फ्रॉम मिडडे. सरस ट्रेलर छे, जोरदार ट्रेलर छे. सो आई वांट टू आस्क यू दैट इट्स अ वेरी रिफ्रेशिंग ट्रेलर बिकॉज वी ऑफन सी दैट इन हिंदी सिनेमा द गुजरातीज आर अ लिटिल स्टीरियोटाइप. स्नैक्स विल बिकम स्नेक्स, हॉल विल बिकम होल. सो एज एन एक्टर हाउ इम्पॉर्टेंट वॉज इट फॉर यू टू मेक श्योर दैट यू हैव टू मेक द कैरेक्टर एंटरटेनिंग बट ऑल्सो कीप इट वेरी ऑथेंटिक. यार इनके साथ तो ऑप्शन ही नहीं है. ही इज सच अ प्राउड गुजराती that he is a stickler for these sorts of details. I will let him take this response. Par ek baat batao, ye midday abhi bhi chhap raha hai? Nahi, I don't mean it in a bad way. I mean like sab kuch digital ho raha hai. Hai na? Main midday padhta hoon. Lekin digitally. Ek sawal hai, ye midday mate abhi bhi dalte hai kya? अभी भी है? कमाल है यार, विंटेज मिडडे. हाँ यार, और देखो देख, अभी तक मिडडे के मिडडे पढ़ते हैं हम, हालांकि फोन पे डिजिटली. लेकिन कॉन्ग्रेट्स टू यू एंड योर टीम ऑन द अमेजिंग वर्क. यू आर पार्ट ऑफ अ पब्लिकेशन विद अ ग्रेट बिग लेगेसी, अ ग्रेट पार्ट ऑफ आवर कल्चर, एंड कॉन्ग्रेट्स ऑन ऑल योर वंडरफुल वर्क सर. सो आई थिंक बींग अ गुजराती मेरे लिए एक जिम्मेदारी थी कि जिस तरीके से गुजराती को नॉर्मली पोर्ट्रे किया जाता है, जैसे कि आपने कहा, उससे पहली बात तो मैं उससे दूर रहना चाहता था. सो रणवीर ने जब हाँ करी फिल्म के लिए, तो पहली चीज़ जो हमने डिसाइड की थी कि वी विल सराउंड हिम विद ऑथेंटिक गुजराती एज अ पार्ट ऑफ द ऑनसॉम, यू नो. सो आप जितना भी ऑनसॉम आप फिल्म में देखेंगे, सारे के सारे एक्टर्स गुजरात से हैं, थिएटर एक्टर्स हैं, वहाँ के स्क्रीन एक्टर्स हैं, मुंबई के थिएटर के गुजराती एक्टर्स हैं. तो वो एक माहौल एक हमने जब बनाया, एंड दिस गाय इज लाइक अ स्पॉन्ज, आप उसको अंदर डालोगे तो वो सब कहाँ से क्या सोक इन करके क्या आपको दे रहा है उसे भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता. सो दैट वॉज आवर इंटेंशन, एंड ऑफकोर्स वी हैड अ डायलेक्ट कोच एंड एवरीथिंग. एंड आई मतलब मुझे बहुत क्रिंज होता है यार जब फिल्मों में ये मतलब हिंदी फिल्मों में गुजराती इसको ऐसे. सो दैट इज समथिंग दैट आई कैन अश्योर यू कि एज अ बीइंग अ गुजराती वो प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी इस फिल्म में. और ये भी मैं कहना चाहूंगा कि मतलब ये जो एक्सेस कर रहे थे, अभी एक्सेस की बात कर रहे थे, जो इन्होंने जयेश के लिए एक्सेस किया है ना, अ पार्ट ऑफ हिज पर्सनैलिटी, वो इन्हें खुद भी नहीं पता, क्योंकि वो परफॉर्मेंस में वो हम लोग एज एक्टर्स वी सर्च फॉर दीज मोमेंट्स ऑफ ट्रूथ, के जब हम बिल्कुल कैमरा सीन सब भूल जाएं, हम सिर्फ उसी में डूबे हों, उसी किरदार में डूबे हों, वो और वो सच्चाई वाले मोमेंट हम खोजते रहते हैं. इस फिल्म में मैं आपको कह रहा हूँ, जस्ट एज फॉरगेट मी एज अ राइटर डायरेक्टर व्हाटएवर, एज अ फैन बॉय आई कैन से दिस इज रणवीर्स बेस्ट परफॉर्मेंस, एंड सो मैनी मोमेंट्स ऑफ ट्रूथ दिस गाय हैज गिवन. I mean, after watching it a zillion times on the edit and making it, I still get goosebumps. So, we achieved that. And you're right, sir. As actors, between action and cut, to find moments of truth, that's always your entire endeavor. And I'm in the character. Hadoobe, hadoobe, kirdar mein yahan.